करूंगा कि वो सब आके हमारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें और पढ़ाएं। पिछले साल भी ये शी वॉज वेरी काइंड इनफ कि हम उसको पढ़ाते थे, शी इज़ ए कंसल्टेंट इन कराची और ये कराची से इन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन फेस में आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है, वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेसेस। ये आपको फेस जो है वो नॉर्मल लग रहा होगा, ये थोड़ा सा गोल सा फेस है, और ये फेस जो है वो लंबाई में जा रहा है। वो फेस जो कि लंबाई में जा रहा होता है और एलोंगेटेड फेस है विद रेफरेंस टू द हाइट एंड विड्थ रेशियो। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसकी विड्थ जो है वो कम है और हाइट ज्यादा है। तो इसको हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसे कहते हैं डोलिको फेशियल। डोलिको फेशियल यानी कि लंबाई में वो ज्यादा है, और ब्रेकी फेशियल जो कि गोल चेहरा है। गोल चेहरे का मतलब क्या है कि अगर ये फेस देखें तो ये लंबाई में फेस कम है और दिस इज मोर इन द विड्थ। तो द टर्म इज यूज एज अ डोलिको फेशियल एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ रेफरेंस एज अ नॉर्मल फेस। अगर हम इसको रेडियोग्राफिकली असेस करें तो वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेसेस। वन इज अ नॉर्मल एंगल फेस एंड नॉर्मल फेस एंड अदर इज द हाइपर डाइवर्जेंट एंड हाइपो डाइवर्जेंट। हाइपर डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि ये फेस जो है वो लंबाई या एलोंगेटेड फेस या डोलिको फेशियल उसमें जा रहा है। इसमें होगा क्या कि अगर हम क्रेनियल बेस या मैग्जिला के साथ देखें तो दो प्लेन्स में अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि ये जो है वो अपर और नीचे ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है एज कम्पेयर टू कि क्रेनियल बेस, और ये ज्यादा डाइवर्ज नहीं कर रहा। तो हाइपर डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि क्रेनियल बेस और मैंडिबल प्लेन एक दूसरे से बहुत ज्यादा डाइवर्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फेस है वो ज्यादा लंबाई में और एलोंगेटेड फेस आ रहा है। उसके मुकाबले में अगर आप अगर इसको देखें तो इसका पैरेटल प्लेन या मैक्सिलरी प्लेन या मैंडिबल प्लेन जो है वो बिल्कुल एक नियर टू पैरेलल है, और वो डाइवर्जेंस उन प्लेन्स के दरमियान में कम है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड हाइपो डाइवर्जेंट फॉर द पेशेंट हु आर विच आई यूज द टर्म ब्रेकिसेफेलिक। ब्रेकिसेफेलिक यानी कि जो फेस, जिस तरह मैंने अभी दिखाया था आपको, जो फेस चौड़ाई में ज्यादा है और जो है वो लंबाई में कम है, उनको लिए हमने टर्म यूज की थी ब्रेकिसेफेलिक, और डोलिकोसेफेलिक हमने यूज की थी फॉर द पेशेंट हु हैव इंक्रीज्ड हाइट ऑफ द फेस एंड डिक्रीज विथ ऑफ द फेस। सो वो डोलिको फेशियल या ब्रेकी फेशियल टाइप्स अगर हम साइड व्यू या एक्सरे में देखें तो वो इस तरीके से नजर आ रहा होगा। और हम उसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी, मैंने अभी दो टर्मिनोलॉजीज आपके लिए आपके सामने प्रेजेंट की, एक डाइवर्जेंट एक हाइपर डाइवर्जेंट जो कि डोलिको फेशियल फेस बना। इसमें जो है वो फेस लंबाई में ज्यादा है और जो है वो आपको एक एलोंगेटेड फेस मिलेगा। नाउ वी टुडे द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन जो डॉक्टर समरा मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे एक्सप्लेनेशन में, वो ये है कि एक डोलिको फेशियल या एक जो है हाइपर डाइवर्जेंट या हाइपो डाइवर्जेंट फेस डेवलप किस तरीके के साथ होता है। कि डेवलप ऐसे होता है, एक तो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस के अंदर होता है कि आप देखें कि दो बहन भाई हैं तो उनके फेस आपस में एक दूसरे से मिल रहा होगा। वो कैसे मिल रहा होता है कि उनकी जो है वो जेनेटिक पैटर्न जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। दूसरा क्या है कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी उस पर अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो शेप डिटर्मिन करते हैं। जैसे कि अगर हमने फंक्शनल प्राइंस दी तो लो एंगल पेशेंट है वो हाई में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसमें एक तीसरे टर्म में मैं आपको यूज करता हूँ जो बहुत कॉमनली बोला जाता है, वो है लो एंगल या हाई एंगल। हाई एंगल इज अ वर्ड, जिस तरह हमने हाइपर डाइवर्जेंट की, तो हाई एंगल इज द टर्म यूज फॉर द डोलिको फेशियल एंड हाइपर डाइवर्जेंट फेस। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो एक ही चीज हैं, हाइपर डाइवर्जेंट, डोलिको फेशियल या हाई एंगल फेस। इसको जो है वो हम कह सकते हैं कि दिस इज द हाई एंगल फेस विच इज अ डोलिको फेशियल एंड हाइपर डाइवर्जेंट। सिमिलरली इसको हम कहेंगे हाइपो डाइवर्जेंट को लो एंगल फेस, क्योंकि इसका एंगल पैलेटल प्लेन या एसएन प्लेन के साथ, जिन लोगों की सेफ में रोटेशन हो चुकी है उसका अंडरस्टैंड करेंगे, वो लो है। इनका एंगल पैलेटल या मैंडिबल प्लेन के साथ एंगल हाई है, ठीक है। इस वजह से हम इसको हाई एंगल या हाइपर डाइवर्जेंट या डोलिको फेशियल कह रहे हैं। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि किस तरीके के साथ ऐसी रोटेशन या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती जा रही है कि जिसमें कि वो हाई एंगल या हाइपर डाइवर्जेंट डेवलप कर रहा है। वो कैसे डेवलप करता है? वो इस तरीके के साथ डेवलप करता है कि जो है वो कि उसके अंदर जॉ में डिफरेंट रोटेशंस हो रही होती हैं। वो रोटेशंस जो हैं वो किस तरीके के साथ स्टेब्लिश करेंगी कि पूरा फेस जो है वो हाई या लो एंगल बनेगा, वो हम आज बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर समद आप कुछ कहेंगे? जी,
थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, जब हम ग्रोथ पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये समझना है सबसे ज्यादा कि हम सब जो है उनमें वेरिएशंस हैं। जैसे अगर आप अपनी ही क्लास में देखेंगे तो कुछ लोग शॉर्ट हाइटेड हैं, कुछ लोग लॉन्ग हैं, कुछ लोग ओबीस हैं, कुछ लोग पतले हैं। तो डिफरेंट रीजंस होते हैं ग्रोथ के। जब हम ग्रोथ स्टडीज करते हैं तो बिजॉर्ट ने जो हमें तरीके बताए हैं उसमें वो मेटालिक पिंस या इम्प्लांट्स दे देते हैं और फिर उसको लेटर ऑन रेडियोग्राफिकली देखते रहते हैं कि वो इम्प्लांट कहाँ मूव कर रहा है। अच्छा, अब एग्जांपल इसके अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये देना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको जब भी रोटेशन पढ़नी है तो तीन चार टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको बेसिक पता होंगी, तो आपको हर चीज उसको इम्प्लीमेंट करना और समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने दो पैलेटल प्लेन सॉरी दो प्लेन्स आपको याद करने हैं। एक तो पैलेटल प्लेन है आपका जो इंटीरियर नेजल स्पाइन से लेके पोस्टीरियर नेजल स्पाइन तक है। दूसरा आपने यहाँ से मैंडिबुलर लेके प्लेन देखना है। यहाँ जी से लेके पैरेटल प्लेन फ्रॉम ठीक एंटीरियर नेजल, दिस इज एंटीरियर नेजल स्पाइन एंड दिस इज पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, और दूसरा मैडम इज गोइंग टू अबाउट अबाउट द मैंडिबल प्लेन। जी जी ये हम जो है क्रेनियन से लेके मेंटॉन तक जो है अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल होता है। तो ये दो दो प्लेन्स हैं जो कि आपने इनके ऊपर सारी मूवमेंट को समझना है। दूसरी चीज अभी डॉक्टर अली आपको बताएंगे जिसमें हम जो रोटेशंस की बात करेंगे तो रोटेशंस को भी डॉक्टर अली एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ। अगर आप मैंडिबल का स्ट्रक्चर देखें तो एक होता है इनर कोर जो हमारी इंटीरियर एल्वियोलर नर्व होती है उसके अराउंड सराउंडिंग बोन होती है, वो हमारा मैंडिबुलर कोर होता है। उसके अलावा हमारे प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि एल्वियोलर प्रोसेस है, कॉन्डाइलर प्रोसेस है, तो ये सब अटैच होते हैं। जब हम इम्प्लांट्स लगाते हैं तो हम इन प्रोसेसेस से नहीं लगाते, कभी भी हम किसी स्टेबल स्ट्रक्चर पे लगाते हैं ताकि वो इम्प्लांट स्टेबल रहे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उस इम्प्लांट को देखें वो किस तरफ मूव कर रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बॉडी है या जो कोर है वो क्या है और ये प्लेन्स क्या हैं। ओवर टू यू डॉक्टर अली। ठीक है, इन्हीं की बात को मैं आगे लेके कंटिन्यू करता हूँ कि हमने अभी तक बात की हाइपर डाइवर्जेंट, हाइपर डाइवर्जेंट, और उसके बाद हम बात करते हैं कि उनके डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। कोई भी हाइपर डाइवर्जेंट या लॉन्ग फेस या हाई एंगल की हमने बात की, उसका फेस जो है वो लंबाई में ज्यादा होगा, तो उसके लिप इनकॉम्पिटेंट आपको मिलेंगे। यू मे हैव अ सिचुएशन लाइक अ गमी स्माइल, जिस तरह के मसूड़े नजर आ रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट लिप्स हैं, एंटीरियर ओपन ओपन बाइट जिसमें के सामने के दांत खुले हुए होते हैं, और वी कैन हैव अ वीक मस्कुलेचर, कि उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा ब्रेकिसेफेलिक जो है वो एक गोल या चौकोर सा फेस है जो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, जो कि हाइपो डाइवर्जेंट या लो एंगल, और हाइपर डाइवर्जेंट इस तरीके से होगा। सो नाउ मूविंग ऑन, दिस इज अ लो एंगल फेस। नाउ मूविंग ऑन के जो मैडम ने बात की कि हम इस वक्त ये पढ़ने जा रहे हैं कि वो जब जॉ ग्रो करेगा तो वो किस तरीके के साथ रोटेट करेगा। वी हैव डिस्कस के जब मैंडिबल ग्रो करे, इट्स नॉट ग्रोइंग इन अ वे कि ये मैंडिबल्स जस्ट साइज में जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। ये हो क्या रहा है कि जब ये ग्रो कर रहा है तो दिस मैंडिबल इज रोटेटिंग। ये रोटेट कैसे कर रहा है कि जैसे जैसे ग्रो करता जा रहा है, इसने अपनी डायरेक्शन ऐसे लेनी है कि ये विथ दी ग्रोथ इसके अंदर मैंडिबल के अंदर रोटेशन आ रही है। सो नाउ मूविंग ऑन कि इस रोटेशन को हम किस तरीके से पता करेंगे, हम कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो है वो विद द हेल्प ऑफ द ग्रोथ जो है वो रोटेशन आई है या नहीं आई। रोटेशन का मतलब क्या है कि जब मैंडिबल जो है वो साइज में इंक्रीज कर रहा है, तो इट्स नॉट लाइक दिस के गुब्बारे में हवा भरी और छोटा पहले साइज में था और वो साइज में बड़ा हो गया। इट इज ग्रोइंग इन अ वे कि ये ग्रो करते हुए या इस तरीके आगे की तरफ रोटेट कर रहा है या पीछे की तरफ रोटेट कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड कि वो दो टाइप की रोटेशंस जो हैं वो क्या हैं। इसके लिए ना ऑल ऑफ यू हुआ ऑनलाइन एट द मोमेंट, जस्ट प्लेस योर फिंगर्स ऑन योर चिन, अपने चिन के ऊपर जो है वो सब बचे हाथ रखें। ठीक है, नाउ फील इट कि अगर तो आप अपने चिन को डाउनवर्ड और बैकवर्ड लेकर जाते हैं, तो जब वो डाउनवर्ड रोटेट कर रहा है तो वो सिर्फ वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं कर रहा, बल्कि साथ साथ आपके हाथ जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। सो मैंडिबल इज रोटेटिंग इन अ वे कि वो जब पीछे की तरफ जा रहा है तो चिन की पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली सेजरली भी चेंज कर रही है। अगर हम इसको दो प्लेन्स में ट्रेस करते हैं, दो प्लेन्स में हमने ट्रेस किया, एक है हमारा सेजिटल प्लेन जिसमें हम इसको ऐसे देख रहे हैं, और दूसरा है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन इस डायरेक्शन में। ठीक है, इफ द चिन इज मूविंग बैकवर्ड तो इनकी मॉर्फोलॉजी है वो इस तरीके से है कि इफ द चिन इज मूविंग बैकवर्ड, अपने जो फिंगर्स हैं वो चिन पर प्लेस करें, इफ द चिन इज मूविंग बैकवर्ड सो यू वुड बी फीलिंग कि आपका जो है
वो चिन सेजिटल डायरेक्शन में है, वो पुस्टीरियरली जा रही है. सो दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड. डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि वो चिन पीछे की तरफ जा रही है वर्टिकल प्लेन में, एंड बैकवर्ड का मतलब क्या है कि वो सेजिटल प्लेन में जो है वो पीछे की तरफ जा रही है. ठीक है, माय पॉइंट सो फॉर इज दिस कि जब मैंडिबल ग्रो कर रहा है तो वो ग्रो करते हुए रोटेट इस तरीके से करेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है तो ये अपवर्ड या फॉरवर्ड ग्रो कर सकता है या डाउनवर्ड या बैकवर्ड ग्रो कर सकता है. इसी तरह आगे पीछे से भी पोस्टीरियरली भी ये डाउनवर्ड बैकवर्ड ग्रो कर सकता है या अपवर्ड ग्रो कर सकता है. इस चीज को असेस करने के लिए कि मैंडिबल ग्रो करते हुए किस तरीके से ग्रो कर रहा है, हम इसको ऐसे स्टडी करेंगे कि पहले हम किसी 4-5 साल के बच्चे का एक्सरे करा के देखा, साइड व्यू का एक्सरे करा के देखा, फिर हमने कई सालों के बाद दूसरा उसका एक्सरे करा के देखा, फिर कई सालों के बाद उसका तीसरा एक्सरे करा के देखा. तो डिफरेंट सालों के जो हम एक्सरे करवाते जाएंगे उसमें मैंडिबल की पोजिशन को हम असेस करेंगे कि वो ग्रो करते हुए कैसे चेंज हुई. ठीक है, अब ये हम कैसे कर सकते हैं कि वी हैव टू हैव वी नीड अ काइंड ऑफ अ स्टेबल स्ट्रक्चर. स्टेबल स्ट्रक्चर वो होगा जो कि ग्रोथ के साथ जो है वो चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल के भी जिस तरह डॉक्टर समरा ने कहा कि हम जो है वो डिफरेंट मैंडिबल को डिफरेंट प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हैं. वन प्रोसेस इज द कोर ऑफ द मैंडिबल व्हिच इज अराउंड द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, अदर प्रोसेसेस आर इन ऑन विच द मसल्स आर अटैच, जैसे कोंडाइलर प्रोसेस, कोरोनाइड प्रोसेस, मस्कुलर प्रोसेस या एल्वेलर प्रोसेस जिसमें टीथ इन्वॉल्व है. अब इशू क्या है कि जितने भी मस्कुलर प्रोसेस हैं या एल्वेलर प्रोसेस हैं, इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इम्पेयर्ड या जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हो रही होती है बाय द फंक्शनैलिटी ऑफ द मसल्स. अब हुआ क्या कि अगर कोरोनाइड प्रोसेस के साथ जो मसल अटैच है उसका फंक्शनल जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो हुआ क्या कि उसमें उसका उसकी शेप चेंज हो जाएगी. जिस तरह हम बात करते हैं कि द फंक्शन डिटरमिन्स द मॉर्फोलॉजी, हुआ क्या कि अगर तो किसी मस्कुलर प्रोसेस या फंक्शनल प्रोसेस, वो फंक्शनल प्रोसेस का मतलब क्या है कि जिनके साथ कोई ना कोई मसल्स अटैच है और उन मसल्स या उन प्रोसेस पे उस फंक्शनैलिटी चेंज होने की वजह से उनकी शेप चेंज हो सकती है. तो हुआ क्या कि आप ग्रोथ को स्टडी नहीं कर पाएंगे. क्यों स्टडी नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह ये कि आपका जो है वो उस प्रोसेस की ग्रोथ जो है वो तो इन्फ्लुएंस्ड हो रही है बाय द ग्रोथ ऑफ द मसल्स या टीथ, अगर एल्वियोलर प्रोसेस की बात करें. तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज द कोर ऑफ द मैंडिबल. कोर ऑफ द मैंडिबल इज दिस कि जहां पर कोई फंक्शनल प्रोसेस अटैच नहीं, जिसकी ग्रोथ जो है वो सिर्फ उसके अपने ग्रोथ की वजह से हो रही है. सो मूविंग ऑन, हमने बात की व्हाट इज द कोर ऑफ द मैंडिबल, व्हाट आर द फंक्शनल प्रोसेस. फंक्शनल प्रोसेस आर दो प्रोसेस जिनके साथ मसल्स अटैच हैं, इनकी ग्रोथ मसल्स की फंक्शनैलिटी चेंज होने की वजह से इनकी एक्टिविटी चेंज हो सकती है. अब हमें ये देखना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जस्ट अ मिनट, विद द पैसेज, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें, हम ये देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इस पिक्चर में ग्रोथ चेंजेस क्या आई और वो कैसे चेंज हुआ, तो हमें उसके लिए करना पड़ता है सुपर इम्पोजिशन. सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हमने एक एक्सरे जो कि डॉटेड लाइन में नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं 9 ईयर 6 मंथ पे हुआ, वो पहले एक्सरे है, फिर 12 ईयर्स पे एक्सरे हुआ, यानी कि कुछ सालों के बाद एक्सरे किया, तो एक एक्सरे के ऊपर दूसरे एक्सरे को रख कर, एक एक्सरे के ऊपर दूसरे एक्सरे को रख कर उसकी शेप में चेंजेस देखना ग्रोथ की वजह से, ये हम इसको कहते हैं सुपर इम्पोजिशन. सुपर इम्पोजिशन में हमने क्या किया कि एक सर्टन एक्सरे करवाया और कई सालों के बाद दूसरा एक्सरे करवाया और दोनों एक्सरे को ओवरलैप करके हम देख रहे हैं कि इनमें ग्रोथ की वजह से क्या चेंजेस आई. अब ये चेंजेस हम देखना चाह रहे हैं ऑन द कोर ऑफ द मैंडिबल, या वहां पर चेंजेस देखने के लिए हमें कुछ ना कुछ पिन इंसर्ट करनी थी, इम्प्लांट के मेटालिक पिन जो कि हमें एक्सरे के ऊपर बहुत इजीली विजिबल हो. ठीक है, उसके लिए अगर हमने वो पिन्स अटैच की ऑन द कोर ऑफ द मैंडिबल, क्योंकि कोर के ऊपर उसके फंक्शन की वजह से चीजें जो थी वो चेंज नहीं हो रही थी. जी डॉक्टर समरा, आप कुछ ऐड करेंगे? जी, मैं सुपर इम्पोजिशन जो आप दिखा रहे हैं, मैं उस पर थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि जो हम पहली दफा एक्सरे लेते हैं और उसकी ट्रेसिंग करते हैं तो हम उसको ब्लैक लाइन से कर लेते हैं. जो हम लेटर ऑन जो ग्रोथ रिलेटेड चेंजेस होते हैं उसके लिए फिर हम रेड पेन से उसको ड्रॉ करते हैं, तो हमें दोनों का डिफरेंस पता चल जाता है. जैसे कि इसमें हमें जॉ जो है वो रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है, रेड लाइन हमें इंडिकेट कर रही है कि जॉ कहाँ से कहाँ मूव किया. दूसरी चीज, जब आप पढ़ेंगे जब भी, तो ग्रोथ की स्टडीज में जैसे डॉक्टर अली रजा ने बताया कि
कि आप पीरियोडिकली असेसमेंट करते हैं कि आपने 5 ईयर्स पे एक इम्प्लांट इंसर्ट किया, फिर आपने उसके ऊपर दोबारा एक्सरे किया, आपने देखा कि किस तरफ ग्रोथ की डायरेक्शन जा रही थी. इन स्टडीज को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ स्टडीज, क्योंकि ये एक लाइन में जा रही होती हैं. तो अगर कभी आपको में भी पढ़ेंगे प्रॉफिट में, तो हर जगह पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज लिखी है. तो यूजली जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं वो ग्रोथ को स्टडी करने के लिए होती है. और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बार बार उस इंडिविजुअल को चेक करते हैं और देखते हैं कि उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं. ओवर टू यू डॉक्टर अली. ठीक है, अब हम आगे बात को लेके चलते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रोटेशंस और वो चेंजेस कैसे उसमें आ रही हैं। तो पहले हम बात करें कि हाई एंगल या लो एंगल जो है वो किस तरीके से एस्टेब्लिश हुआ। हमने अभी तक कोर की बात की कि तो कोर ऑफ द मैंडिबल इज द एरिया ऑफ द मसल्स, जो एरिया ऑफ द मैंडिबल विच इज अराउंड द इंफीरियर मैंडिबल, ये जो रोटेट कर रहा है इसके अंदर जो रोटेशन है, दिस इज द कोर ऑफ द मैंडिबल। इस कोर के अंदर जो रोटेशन है, दिस रोटेशन ऑफ द कोर ऑफ एनी मसल ऑफ एनी बोन इज कॉल्ड द इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन का मतलब क्या है कि हाउ डज द कोर इज रोटेटिंग विद द ग्रोथ ऑफ द बोन। ठीक है, दिस इज इंटरनल रोटेशन। और दूसरी हम आ जाती है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होता है कि जो है वो टूथ की अरप्शन के चेंजेस की वजह से या सरफेस चेंजेस की वजह से उसकी शेप चेंजेस होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के क्या हुआ कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि विद द ग्रोथ ऑफ द मैंडिबल, जैसे 4 साल, 10 साल, 20 साल, ये सुपर इम्पोज एक्सरेज हैं। सुपर इम्पोज एक्सरेज का मतलब क्या है कि एक एक्सरे 4 साल की एज में हुआ, दूसरा 10 साल में हुआ, तीसरा जो वो 20 साल की हुआ। और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि मैंडिबल इज द कोर ऑफ द मैंडिबल इज रोटेटिंग, लेकिन जो शेप में चेंज आई वो डिफरेंट आई क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर वो डिफरेंट पैटर्न या डिफरेंट तरीके से रिजॉर्प्शन या डेपोजिशन हो रही है। सो फॉर द सिंपल मैसेज इज दिस कि अगर तो कोर ऑफ द बोन के अंदर रोटेशन आ रही है तो दिस इज द इंटरनल रोटेशन। सरफेस चेंजेस या सरफेस मास्किंग की वजह से, रिजॉर्प्शन या डेपोजिशन की वजह से जो एड ऑन इफेक्ट होगा उस की फिनोटाइप में या इंटरनल रोटेशन के इफेक्ट को सब्सट्रैक्ट कर रहा है तो दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन का मतलब क्या है कि किस तरीके के साथ वहां पर रिजॉर्प्शन या डेपोजिशन हो रही है, तो इस तरीके को हम कहते हैं कि एक्सटर्नल रोटेशन। द चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द जॉ रिजल्ट फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। हुआ क्या कि आपका जो है, अगर हम बात करें कि ये द कोर ऑफ द मैंडिबल है, ये अपवर्ड और फॉरवर्ड ग्रो किया, कोर ग्रो किया। अब उस मैंडिबल की जो शेप है वो ऐसे है, अगर तो यहाँ पर शेप के ऊपर यहाँ से रिजॉर्प्शन होना शुरू हो गई तो जितना वो मैंडिबल आगे की तरफ मूव किया वो इफेक्ट आपको अपेरेंट नहीं होगा। यानी कि हुआ क्या कि जो कोर मूव किया या रोटेट किया, जो एक्सटर्नल रोटेशन है, रोटेशन का एक्सटर्नल रोटेशन इज बेसिकली अ सरफेस रिमॉडलिंग। सरफेस रिमॉडलिंग का मतलब क्या है कि किसी जगह सर बोन जो है वो रिजॉर्ब हो रही है या किसी जगह से बोन जो है वो डेपोजिशन हो रही है, तो इस डेपोजिशन या रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन की वजह से उसकी शेप में चेंजेस आएंगी। वो शेप की चेंजेस जो हैं वो इंटरनल रोटेशन के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि जितना भी इंटरनल रोटेशन की वजह से मूव किया था वो उसको रिमूव या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स को, या उसमें एड ऑन भी कर सकता है। डॉक्टर समराज, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप इस बात को, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन को? मैं यही करना चाह रही थी. इंटरनल रोटेशन जब आपने समझनी है तो आपने ये देखना है कि हमने अब इतनी अच्छी तरह से डॉक्टर बता दिया कि कोर ऑफ द मैंडिबल क्या है. बेसिकली अब जब भी आप देखें तो आप इसमें मैंडिबुलर प्लेन, जो कि मैंने सबसे पहले कहा था कि इम्पोर्टेंट है, आप उसको देखते रहें. मैंडिबुलर प्लेन जो है वो जब एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जिसमें एक नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो मैंडिबुलर प्लेन की और जो कोर है वो आई थिंक 10 to 14 जो है वो 10 to 15, रोटेट करता है. हाँ, और मैं जी 10 to 15, 10 to 15। जी और उसमें क्या होता है कि ये जो आपकी कोर ऑफ द मैंडिबल है और आपका मैंडिबुलर प्लेन जो होता है वो रिड्यूस होता है. इसके अंदर ये होता है कि जब हमारा 10 to 14 हमें शो नहीं होता, क्योंकि जितना इंटरनल आपकी रोटेशन हो रही होती है, जो बाहर से सरफेस एरिया होता है उस पर भी रिजॉर्प्शन हो रही होती हैं और चेंजेस आ रहे होते हैं, डेपोजिशन हो रही होती है. तो वहां पे जो इंटरनल चीज है वो बिकॉज वो एक्सटर्नली इतनी अच्छे तरीके से मास्क हो रही होती है कि अपेरेंटली हमें इतनी जितनी रोटेशन हुई है वो नजर नहीं आती.
तो हमारी कोर में तो चेंज आ रहा है, लेकिन हमारे बाहर एक्सटर्नल ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि हमें वो अपेरेंटली उतना बड़ा चेंज नजर नहीं आएगा। जब हम इम्प्लांट स्टडी कर रहे होंगे तो इम्प्लांट हम देखेंगे कि इतना मूव किया कि हमारा मैंडिबुलर प्लेन एंगल जो है वो रिड्यूस हो गया, लेकिन इतना रिड्यूस नहीं हुआ होगा क्योंकि जो उसकी सारी मास्किंग है वो एक्सटर्नल रोटेशन से कवर हो जाएगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दोबारा आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा मैं और करता हूँ क्योंकि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखिए ना, अब कोर के ऊपर डायग्राम बनाएंगे ना फिर ज्यादा इनको अच्छा समझ आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा देखिए, ये कोर ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, अगर ये रोटेट कर रहा है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, तो इसकी शेप जो है कि मैंडिबल की जो ऐसे जा रही थी, ये मैंडिबल की शेप ऐसे हो जाएगी, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड चला गया ना, गॉट इट। यहां पर इस कोर के अंदर जो रोटेशन हुई, लेट से कि हम बात कर रहे हैं कि ये रोटेशन अपवर्ड हुई, तो चिन की पोजीशन ऐसे, जैसे मैंने आपके चिन पे हाथ रख के बताया था कि जब जब चिन अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेगी तो वो आगे भी आ रही होगी, तो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आगे आने की वजह से ये कोर अगर ऐसे मूव किया तो ये मैंडिबल आगे की तरफ अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आ गया। अब हुआ क्या कि दिस इज कॉल्ड द इंटरनल रोटेशन विच इज अकरिंग इन द कोर ऑफ द मैंडिबल, गॉट इट। अब हुआ क्या कि ये इसकी शेप है, ये इनमें प्लेन को ट्रे किया हुआ है। अब अगर कुछ ऐसा हो कि जो है वो कोर तो रोटेट कर रहा है ऐसे अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो ये नीचे से इस तरीके से आ रहा होगा, तो इसकी शेप जो है वो ऐसे हो जाएगी विद द इंटरनल रोटेशन, ठीक है, यहां से नीचे आ गया और यहां से ऊपर की तरफ चला गया। सो नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन क्या होता है कि यहां से बोन की रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी सरफेस के ऊपर। इंटरनल रोटेशन थी वो थी कोर के अंदर, जो एक्सटर्नल रोटेशन है वो है सरफेस रिमॉडलिंग या सरफेस के ऊपर रिजॉर्प्शन की वजह से। तो हुआ क्या कि मैं अभी ना, एक मिनट एक मैं आपको क्वेश्चन का कहता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। तो हुआ ये कि जब आपके सरफेस के ऊपर रिजॉर्प्शन हुई, तो जो नेट इफेक्ट ऑफ द कोर के रोटेशन के जो इफेक्ट आया था वो उसका नेगेटिव इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल, कोर रोटेट किया अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ चला गया और इसकी रोटेशन, फॉर एग्जांपल द सेंटर ऑफ रोटेशन इज दिस, तो ये डाउनवर्ड आ गया। तो हुआ क्या कि ये चीज जो है वो मैंडिबल की इस तरीके से शेप बन गई। अब अगर यहाँ पर रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाए, इस जगह पर रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाए, तो होगा क्या कि अपेरेंट चेंज जो है, जो इंटरनल रोटेशन की वजह से चेंज आई थी उसकी शेप में, उस इफेक्ट को कंसील या उसके रिमूव कर रहे हैं उस इफेक्ट को, ठीक है। मेरे ख्याल से ना, आई जस्ट नीड टू अलाउ ऑल दी पार्टिसिपेंट टू, आई एम अनम्यूटिंग एवरीवन टू आस्क क्वेश्चन। आप पूछो। सर नहीं, मुझे समझ आ गई थी, मुझे यही था कि वो जो रोटेशन है, मुझे लगा आप कह रहे थे कि बोन इटसेल्फ रोटेट कर रहा है, लेकिन आप बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि जो मैंडिबल का जो घूम है बेसिकली अब उसकी रोटेशन। ओके, सो मूविंग ऑन, हमने बात की कि इंटरनल रोटेशन क्या है व्हिच इज अकरिंग इन द कोर ऑफ द मैंडिबल, एक्सटर्नल रोटेशन क्या है व्हिच इज द सरफेस रिजॉर्प्शन और डेपोजिशन ऑन द सर्फेस ऑफ द मैंडिबल विच मे हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इंटरनल रोटेशन विच मे हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट। इस चीज को हम जज कैसे करते हैं? इस चीज को हम जज ऐसे करते हैं कि क्रीनियल बेस पे, जो इंटीरियर क्रीनियल बेस है, एसएन प्लेन, उसका पेरिटल प्लेन के साथ क्या चेंज आ रहा है और उसका मैंडिबल प्लेन के साथ क्या चेंज आ रहा है। तो इसको हमने असेस या जज कैसे किया कि व्हाट आर द चेंजिंग अकरिंग बिटवीन द इंटीरियर क्रीनियल बेस टू द मैंडिबल प्लेन। अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैंडिबल, तो मैंडिबल प्लेन और एसएन प्लेन यानी कि इंटीरियर क्रैनियल बेस के दरमियान इस एंगल में कितनी चेंजेस आई, इस चेंजेस या टोटल इफेक्ट जो आया, उस टोटल इफेक्ट को नाम दिया गया है टोटल रोटेशन का। सो फार वी हैव डिस्कस थ्री टर्म्स। वन इज द इंटरनल रोटेशन व्हिच इज द रोटेशन ऑफ एनी बोन इन द कोर ऑफ द मैंडिबल। एक्सटर्नल रोटेशन इज द सर्फेस रिजॉर्प्शन और डेपोजिशन on the exterior surface of any bone which may have a negative effect on the internal rotation। हुआ क्या कि internal rotation जितनी हुई उसके effect को mask किया external rotation में, तो हमारे पास जो total outcome या total जो result आया
उसको नाम दिया गया है टोटल रोटेशन का. टोटल रोटेशन क्या है कि मतलब ये सारी रिजॉर्प्शन डेपोजिशन मूवमेंट जो भी हुआ, फर्क क्या पड़ा एसएन प्लेन और मैंडिबल प्लेन के दरमियान जो फर्क या इफेक्ट आया उसको नाम दिया गया है टोटल रोटेशन का. सो फार वी हैव डिस्कस द इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन. इंटरनल रोटेशन कोर में जो चेंजेस आई, सरफेस चेंजेस आई. और देखिए अब हम बात करते हैं, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रोटेशन, वन इज अ नेगेटिव रोटेशन एंड वन इज अ पॉजिटिव रोटेशन. अगर तो आपका मैंडिबल ऐसे मूव कर रहा है कि अगर हम इसी पिक्चर के ऊपर आ जाते हैं कि इफ द चिन इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जाएगा, तो अगर ये चिन जो है वो इस तरफ आगे की तरफ जा रही है तो ये क्या है कि ये अपवर्ड मूव कर रहा है. जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो ये फॉरवर्ड मूव भी करेगा. सेजिटल प्लेन में फॉरवर्ड मूव कर रहा है और वर्टिकल प्लेन में अपवर्ड मूव कर रहा है. कैसे कि सेजिटल प्लेन में, फॉर एग्जाम्पल अपने चिन के ऊपर हाथ रख के देखें, मुंह बड़ा सा खोलें, मुंह बड़ा खोलें, चिन पे हाथ रखें. अब आपने जब चिन को आगे की तरफ लेके आएंगे तो आप ये उंगली के साथ फील कर रहे हैं कि वो वर्टिकली जो है वो एंगल कम हो रहा है और सेजिटली यानी कि एंटोपोस्टीरियर प्लेन में चिन की पोजीशन जो है वो आगे की तरफ आ रही है. सो नाउ वी हैव टू काइंड ऑफ रोटेशन. वन इज द अपवर्ड एंड फॉरवर्ड रोटेशन एंड द अदर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट. वन इज द डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड. जब मैंडिबल जो है वो डाउनवर्ड पीछे की तरफ जा रहा है तो वो बैकवर्ड भी जा रहा है. जस्ट प्लेस द फिंगर ऑन द चिन एंड फील इट कि जब व्हेन यू ओपन इट कि जब मैंडिबल डाउनवर्ड जा रहा है तो वो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ सेजिटल यानी एंटोपोस्टीरियर प्लेन में पीछे की तरफ जा रहा है. तो डाउनवर्ड या बैकवर्ड रोटेशन को नाम दिया उन्होंने, एक टर्म दी जिसको नाम उन्होंने पॉजिटिव रोटेशन. पॉजिटिव रोटेशन का मतलब क्या है कि डाउनवर्ड या बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द मैंडिबल इज कॉल्ड द पॉजिटिव रोटेशन ऑफ द मैंडिबल. इफ द मैंडिबल इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड तो नाम दिया गया नेगेटिव रोटेशन. इज दिस क्लियर? ठीक है डॉक्टर समरा, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, व्हाट इज पॉजिटिव नेगेटिव रोटेशन. आप अनम्यूट अनम्यूट कर लें जी. ओके बिल्कुल. आप जो है मैंडिबुलर प्लेन एंगल को देखते रहें और आप चिन को देखते रहें. ठीक है, तो जब ये बैकवर्ड जाएगा तो ये मैंडिबुलर प्लेन एंगल हमारा स्टीप होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, हमारी चिन बैकवर्ड आती जाएगी. अपवर्ड एंड फॉरवर्ड में क्या होगा, ये पूरा मैंडिबल जो है ये अपवर्ड और फॉरवर्ड जाएगा. जब अपवर्ड और फॉरवर्ड जाएगा तो हमारा ये सारा सेगमेंट जो इंटीरियर सेगमेंट है, चिन है, ये सब आगे आ जाएगी. और बस इसी तरीके से ये बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड आपने जो समझना है तो आप इसको कोरिलेट कर लें. फिर एक दफा दोबारा से वो जो पिक्चर है जिसके अंदर हमने पैटर्न्स स्टडी किए थे ब्रेकी से पहले, और वो जो फर्स्ट पिक्चर थी ना हमारी जो नॉर्मो डाइवर्जेंट और हाइपर डाइवर्जेंट वाली, उसको लेके चलते हैं. ठीक है, अब अगर जो हमने बात की कि नेगेटिव रोटेशन क्या है कि जिसमें कि ये अगर आप पढ़ सकते हैं कि नेगेटिव रोटेशन क्या है कि जिसमें कि जॉ जो है वो आगे की तरफ आ रहा है, और पॉजिटिव रोटेशन क्या है जिसमें कि डाउनवर्ड बैकवर्ड जा रहा है. अब ये जो है वो दो जगहों पे हो सकती है. अगर हम बात करें कि नेगेटिव रोटेशन की, तो वो रोटेशन जो है हो सकती है या कॉन्डाइल पे कि पूरा का पूरा मैंडिबल, लेट्स हमने बात की मैंडिबल इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, सो व्हाट कुड बी द सेंटर रोटेशन. सेंटर रोटेशन का मतलब क्या है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जिसके अराउंड बोन इज अपीयरिंग टू बी मूविंग. अपीयरिंग टू बी मूविंग क्या है कि इनिशियल पोजिशन ली, फाइनल पोजिशन ली, और आपने देखा कि वो किस एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है. वेरी सिंपल आपको फिजिक्स से ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि इफ द सेंटर ऑफ रोटेशन इज द कॉन्डाइल तो इसकी मूवमेंट का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा, ये अपवर्ड या फॉरवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड बैकवर्ड जा सकता है. ठीक है, कि सेंटर ऑफ रोटेशन के जिसमें इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के हिसाब से आप एक ज्योमेट्रिकल सेंटर लिया कि इसके अराउंड दिस पॉइंट द बोन्स आर अपीयरिंग टू बी मूविंग, तो दिस इज द सेंटर रोटेशन. ओके, मूविंग ऑन, यहाँ पर इस एक जगह पर हुई रोटेशन अराउंड द कॉन्डाइल. दूसरा है कि सेंटर रोटेशन, इफ द सेंटर रोटेशन इज इन द विद इन द बॉडी ऑफ द मैंडिबल, तो उसको उन्होंने नाम दिया इंट्रामैट्रिक्स रोटेशन. दो टाइप के रोटेशन है, अगर तो रोटेशन हो रही है अराउंड द कॉन्डाइल, इस तरीके से ग्रोथ रोटेशंस हो रही हैं कि अराउंड द कॉन्डाइल जो है वो द मैंडिबल इज अपीयरिंग टू बी मूविंग, चाहे वो अपवर्ड या फॉरवर्ड है जिसको हमने नाम दिया नेगेटिव रोटेशन का, या डाउनवर्ड या बैकवर्ड है जिसको हमने नाम दिया पॉजिटिव रोटेशन का. इफ द सेंटर ऑफ द रोटेशन इज
एट द कॉन्डाइल, तो हमने उसको नाम दिया मैट्रिक्स रोटेशन. ठीक है, इफ द सेंटर ऑफ रोटेशन इज इन द बॉडी ऑफ द मैंडिबल देन वी विल कॉल इट एज द इंट्रा मैट्रिक्स रोटेशन. ठीक है, तो अभी तक हमने जिन क्विकली थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, क्विकली रिवाइज करते हैं. हमने अभी तक बात की वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फेस, वन इज अ नॉर्मल एंगल फेस, वन द अदर इज अ हाई एंगल. हाई एंगल के लिए हमने डिफरेंट टर्म्स यूज की थी, डॉलिको फेशियल या हाइपर डाइवर्जेंट. सो लेट्स मूव ऑन के दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ फेसेस. ये फेसेस कैसे डेवलप होते हैं? ये फेसेस होते हैं कि इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन और के इंटरेक्शन की वजह से, जो डिसाइड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ द फेस टाइप विल बी डेवलप एज द रिजल्ट ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन. तो हमने बात की कि और के जो हाई एंगल के फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कि उसमें गमी स्माइल मिलेगी, इनकॉम्पिटेंट लिप्स मिलेंगे, ओपन बाइट मिलेगी, और चेहरा जो है वो हाइट में ज्यादा होगा, वेट में कम होगा. इसका बिल्कुल ऑपोजिट लो एंगल होगा या हाइपोडाइवर्जेंट होगा. तो अब हम बात करें कि वो कैसे बनते हैं. वो इस तरीके से बनते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन किस तरीके से हो रही है. इंटरनल रोटेशन इज द इज द मूवमेंट ऑफ द, मैं बताता हूँ वर्दा, इसमें इंटरनल रोटेशन क्या हुई कि इंटरनल रोटेशन इज द मूवमेंट या इज द रोटेशन ऑफ द जॉ विद इन द कोर. एक्सटर्नल रोटेशन के सर्फेस चेंजेस या सर्फेस रिमॉडलिंग की वजह से उसका इफेक्ट कैसे चेंज हुआ. टोटल रोटेशन इज द अपेरेंट चेंज कि जो एस एन प्लेन और मैंडिबल प्लेन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैंडिबल, वो कैसी आई. फिर हमने बात की कि व्हाट आर डिफरेंट फंक्शनल प्रोसेसेस. फंक्शनल प्रोसेसेस आर दोस प्रोसेसेस कि जिसके अराउंड मसल्स या जिनकी शेप चेंज हो सकती है ड्यू टू द चेंज इन द मस्कुलर एक्टिविटी या फंक्शनैलिटी ऑफ द मसल. सो वी हैव डिसाइडेड टू प्लेस द मेटल पिंस इन ऑर्डर टू असेस द ग्रोथ रोटेशन ऑन द कोर ऑफ द मैंडिबल, जहां पर वो प्योर उसमें जो है वो रोटेशन आ रही है. ठीक है, तो अब हमने किया 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 कि दो टाइप की रोटेशन आई नेगेटिव में. जो किसी बच्चे ने सवाल भी पूछा है कि लेट से किसी भी टाइप की रोटेशन हुई, अपवर्ड या फॉरवर्ड रोटेशन हुई जिसको हमने नेगेटिव रोटेशन का नाम दिया, डाउनवर्ड या बैकवर्ड रोटेशन हुई जिसको कि हमने पॉजिटिव रोटेशन का नाम दिया. अब इस रोटेशन का स्टाइल या पैटर्न ऐसे हो सकता है कि मे बी अगर आपको ऐसा लगे कि इस अपवर्ड या फॉरवर्ड रोटेशन या नेगेटिव रोटेशन में मैंडिबल इज मूविंग अराउंड द कॉन्डाइल, तो उसको नाम दिया हमने मैट्रिक्स रोटेशन का. If you feel like the mandible is rotating in a way that the center of rotation is in the body of the mandible, के body of the mandible के अंदर center of rotation है, तो इसमें आप अगर इस picture को आप गौर से देखें, जो picture भी है, इसमें आप देखें कि जो posterior part of the mandible, this is moving downward and the anterior part is moving upward. So it appears that the center of rotation is somewhere in the core of the mandible. Okay. So this is, if the central rotation is in the condyle, this is the matrix rotation. If the central rotation is in the core of the mandible, this is the intra-matrix rotation. तो होता क्या है कि internal rotation को sometimes जो है वो external rotation उसके effect को conceal या mask कर रहा होता. होता क्या है कि sorry, internal rotation is not expressed in the jaw orientation because of the surface changes. Surface changes ko paragraph mein likha hai ki external rotation tend to compensate it. This means that the posterior part of the lower border of the mandible must be an area of the resorption while the anterior aspect of the lower border is unchanged. Agar aapke paas let's say ki hui internal rotation, to internal rotation mein jisme core of the mandible is moving upward and forward. So posterior part, if I say that this is the intramatrix rotation, the lower part is moving downward and backward. So mandible ki shape kaise change ho gayi? Pehle is tarike se tha, to ab ye aise change ho ke lower jo hai wo niche ki taraf aa gaya, angle ke part se niche, aur ye aage ja raha hai, aur ye is tarike se shape change ho gayi. Got it? Theek hai, kyunki core ke andar changes aayi upward and forward, jisko ki humne naam diya tha negative rotation ka. Theek hai, तो नेगेटिव रोटेशन में अप इंटीरियर पार्ट ऑफ द कोर ऑफ द मैंडिबल हैज मूव्ड अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड द पोस्टीरियर पार्ट हैज मूव्ड डाउनवर्ड. व्हाट इफ दिस इज द इंटरनल रोटेशन. व्हाट अब हुआ क्या कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबल मस्ट बी इन एरिया ऑफ द रिजॉर्प्शन, के यहां पर ये बोन रिजॉर्व होती चली गई और ये रिजॉर्व होती चली जा रही है, और एंटीरियर पार्ट जो है दिस इज अनचेंज्ड. So this is going to change the shape of the mandible, especially in the lower border. तो हुआ क्या कि पहले जो है वो अगर लेट्स से मैंडिबल की शेप ऐसे थी, तो इंट्रा मैट्रिक्स रोटेशन जिसमें कोर ऑफ द सेंट्रल रोटेशन आगे की तरफ था, मैंडिबल की शेप ऐसे हो गई. ठीक है, नीचे की तरफ ही आ गया.
सरफेस चेंजेस से, सरफेस रिजॉर्प्शन की वजह से अगर ये चीज रिजॉर्व हो गई तो जितना ये रोटेट किया था मैंडिबल वो क्यों के रिजॉर्व कर गया इस पार्ट से, अब वो अपेरेंट चेंज उसकी वो नहीं आएगी. सो हमने कहा था कि अपेरेंट चेंज या टोटल रोटेशन क्या थी, जो एसएन प्लेन या इंटीरियर क्रैनियल बेस और मैंडिबल प्लेन के दरमियान आ गया, हुआ ये कि सरफेस चेंजेस यानी एक्सटर्नल रोटेशन की वजह से, सरफेस रिजॉर्प्शन की वजह से यहाँ से बोन रिजॉर्व हो गई और मैंडिबल प्लेन जो कि कम होना चाहिए था, मतलब कि पहले एसएन प्लेन ऐसे था, इंटरनल रोटेशन की वजह से मैंडिबल प्लेन सीधा या कम होना चाहिए था, हुआ ये कि यहाँ से रिजॉर्प्शन हो गई तो वो मैंडिबल प्लेन जो है वो दोबारा से ऐसे आ गया. तो अगर हमने बात की कि इस जिससे आपके बुक में मिसाल दे रहा था कि इंटरनल रोटेशन जितनी आई तो देयर मस्ट बी द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लोअर मैंडिबल मस्ट बी इन एरिया ऑफ द रिजॉर्प्शन और इंटीरियर पार्ट रिमेन अनचेंज्ड, हुआ क्या कि अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर इफ द दिस इज द कोर ऑफ द मैंडिबल, दिस इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, द पोस्टीरियर पार्ट इज मूविंग डाउनवर्ड एज द इंटरनल रोटेशन एज द कोर ऑफ द मैंडिबल. व्हाट हैपेंड कि यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह से रिजॉल्व कर गया, यहाँ से रिजॉल्व कर गया और इधर से रिजॉल्व कर गया और इसकी जो शेप बनी वो ये बनी. ठीक है, अगर आप इसको इसके साथ देखें, ये पहले जो था वो इस तरीके से था और मूव करके आगे की तरफ किया, लोअर बॉर्डर के ऊपर रिजॉर्प्शन होती गई तो शेप इसकी चेंज हो गई, तो अपेरेंट चेंज आ रही है, दिस इज प्रीटी मच डिफरेंट एज कंपेयर टू द व्हाट हैपेंड एज अ कोर ऑफ द मैंडिबल. सो मूविंग ऑन, जी डॉक्टर समरा कुछ ऐड करेंगे आप? तो ये समझ लीजिए कि मैंडिबल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर के चेंजेस ऐसे हैं कि वो बता नहीं, जो अंदर हो रहा है वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। तो चलिए थोड़ा सा आप अगर इनको एक्सप्लेन वो भी कर दीजिए किरत, लॉन्ग मैं टर्म। आपको, किरत मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो बेटा, बोलो किरत. सर ये जो आप ये कह रहे हैं इंटरनल जो रोटेशन है वो अपेरेंटली बाहर नजर नहीं आ रही, तो ये जो सर एंटीरियरली और फॉरवर्डली मूवमेंट आप कह रहे हैं तो ये बेसिकली एक्सटर्नल रोटेशन है जो हमें नजर आ रही है। नहीं, हमें जो नजर आ रही है ना, दिस इज द टोटल रोटेशन, क्योंकि जो टोटल रोटेशन का नाम दिया गया है अपेरेंट रोटेशन, जो हमें नजर आ रही है. हम कैसे किसी रोटेशन को कैलकुलेट या मेजर कर सकते हैं कि एंटीरियर क्रैनियल बेस और मैंडिबुलर प्लेन के दरमियान के एंगल को, विच इज द टोटल रोटेशन, एंड टोटल रोटेशन ठीक है इज द सर, आउटकम ऑफ द, टोटल रोटेशन इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरनल बोथ रोटेशन माइनस रोटेशन। द एक्सटर्नल रोटेशन. इन जब आपने सवाल कर लिया तो बेशक अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं. डॉक्टर समरा, आप इस बच्ची को आंसर करेंगी? लेट मी इंट्रोड्यूस हर, शी इज द टॉपर ऑफ द लास्ट ईयर, सेकंड होल. अच्छा माशाल्लाह, आप एक्सप्लेन करें, आप सही कर, मैं ये इंडोर्स करूंगी जो आप। आप कर लें, मैं थक. नहीं, मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि आपने वो लॉन्ग फेस में जरा पैलेटल प्लेन की टिपिंग बता दें जो कि प्रॉफिट में एक्सप्लेन की हुई है। जी जी बताएं, आप बताएं, आप बताएं. आप जरा पैलेटल प्लेन दिखा दें। जी, या पैलेट बुक वाला दिखाओ. वो जो आप सेफ एक लगाया हुआ था ना, जी इसमें जो पैलेटल प्लेन है उसके लिए लॉन्ग फेस हम मेरे ख्याल से आप दो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे थे, हाइपर डाइवर्जेंट और हाइपो डाइवर्जेंट। तो इनको सिंपल टर्म्स में जैसे अभी आप प्रॉफिट में पढ़ेंगे ना, तो लॉन्ग फेस और शॉर्ट फेस से भी आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, वो भी सेम टर्मिनोलॉजीज हैं। अच्छा, जब हमारा लॉन्ग फेस होता है तो उसमें जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में कहा कि आप पैलेटल प्लेन को देखें, सॉरी पैलेटल प्लेन देखिए और मैंडिबुलर प्लेन देखिए। लॉन्ग फेस इंडिविजुअल्स में आपका जो पैलेटल प्लेन होता है वो पोस्टीरियरली टिप डाउन हो जाता है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हो रही है नेगेटिव रोटेशन. नेगेटिव रोटेशन क्या थी कि हमने अभी बात की कि दिस इज द अपवर्ड एंड फॉरवर्ड रोटेशन. तो जिस तरह मैंडिबल में जो है वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड रोटेशन, जिसको हमने नेगेटिव रोटेशन का नाम दिया, वो इस तरीके से जा रही है, तो मैक्सिला में जो पैरेटल प्लेन है इसमें अपवर्ड या फॉरवर्ड रोटेशन इस तरीके से जा रही होगी. जब ये कोर ऑफ द मैक्सिला में रोटेट करेगा तो क्या होगा कि एंटीरियर पार्ट इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज मूविंग डाउनवर्ड. ठीक है, तो जो मैडम ने बात की पेरिटल प्लेन टिप डाउन, टिप डाउन का मतलब क्या है कि ये अगर पेरिटल प्लेन है ऐसे, तो टिप डाउन मींस के वो
इसका ये पोस्टीरियर पार्ट जो है वो नीचे की तरफ आ गया और एंटीरियर पार्ट ऊपर की तरफ है. दिस इज लाइक अ टिप डाउन पैरेटल पेन. एम आई राइट? ठीक है, दिस इज अ टिप. आपका मैंडिबल जो है वो बैकवर्ड रोटेट करेगा इसकी वजह से, वो कांटेक्ट ऐसे आ रहा होगा कि जो मोलर्स हैं वो इस तरीके से कांटेक्ट में आ रहे होंगे कि वो, ये जाहिर बात है नीचे की तरफ आएगा तो ये मैंडिबल को पीछे की तरफ पुश करेगा. एंड दिस अपवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पैरेटल प्लेन इन द इंटीरियर प्लेन, दिस इज द नेगेटिव रोटेशन. और अगर पॉजिटिव रोटेशन क्या होगी मैक्सिला की, कि अगर ये पैरेटल प्लेन ऐसे है और एंटीरियरली पीछे की तरफ जा रहा है और पीछे से ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो दिस इज द पॉजिटिव रोटेशन. तो टिप डाउन पैरेटल प्लेन इज अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव रोटेशन ऑफ द मैंडिबल. आगे मूव करते हैं. ठीक है, तो अब हमने बात की कि हम के जो है वो सरफेस चेंजेस ने उसके इफेक्ट को मॉडल किया. सो वी हैव यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी. एक्चुअल स्टडी जो हमने बात की कि बयॉर्क ने की, उसने बात की कि उसने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज की थी. हम इस वक्त प्रॉफिट ने उसके टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल सिंपल यूज कर दिया. द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आर बयॉर्क, सोलर, ह्यूस्टन या प्रॉफिट है. तो वो रोटेशन ऑफ द कोर रिलेटिव टू द क्रेनियल बेस इज द इंटरनल रोटेशन. के क्रेनियल बेस में, क्रेनियल बेस और कोर के दरमियान जो एंगल चेंज होने जा रहा है वो इंटरनल रोटेशन को उसने नाम दिया. और इसको हम बेसिकली नाम को ये है कि हम उसको किस तरीके के साथ मेजर करते हैं. अगर हमने सिर्फ इंटरनल रोटेशन को मेजर करना है तो रोटेशन कैसे हो रही है कि तो रोटेशन ऑफ द मैंडिबुलर कोर रिलेटिव टू द क्रेनियल बेस इज द इंटरनल रोटेशन. ठीक है, अब अगर हमने बात करनी है कि एक्सटर्नल रोटेशन को कैसे मेजर करते हैं, तो वो है कि जिसमें के देखिए, द रोटेशन ऑफ द मैंडिबल प्लेन रिलेटिव टू द कोर ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल रोटेशन. अगर आप इस पिक्चर में आप आए तो देखें कि एक्सटर्नल रोटेशन को आपने कैसे मेजर करना है या क्या है कि ये क्रेनियल बेस और कोर के दरमियान जो एंगल में चेंजेस आएंगे, दिस इज द इंटरनल रोटेशन. मैंडिबुलर प्लेन और कोर ऑफ द मैंडिबल के दरमियान इस एंगल के अंदर जो चेंजेस आएंगे सरफेस चेंजेस की वजह से, दिस इज द एक्सटर्नल रोटेशन, जो कि आप मेजर करते हैं कोर ऑफ द मैंडिबल और इस पे सरफेस चेंजेस की वजह से. एंड टोटल रोटेशन क्या है कि जो अपेरेंट चेंज हो रही है, जो कि एंटीरियर क्रेनियल बेस और मैंडिबल प्लेन के दरमियान में जो चेंजेस आएंगे. थोड़ा सा ट्रिकी है, टफ टॉपिक है. इंटरनल रोटेशन इज द रोटेशन ऑफ द बोन विद इन द कोर. इसको आप मेजर करते हैं क्रेनियल बेस और कोर के दरमियान एंगल के साथ. ठीक है, ये एंगल बना इंटीरियर क्रेनियल बेस और कोर ऑफ द मैंडिबल के दरमियान. जो एक्सटर्नल रोटेशन मेजर करने के लिए एंगल बना वो लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल और कोर ऑफ द मैंडिबल के दरमियान जो एंगल बना, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेजर द एक्सटर्नल रोटेशन. ठीक है, और टोटल रोटेशन को आप कैसे मेजर करते हैं, इंटीरियर क्रेनियल बेस और मैंडिबुलर प्लेन जो कि टोटल अपेरेंट चेंज के दरमियान में जो फर्क आया, इसको आप मेजर करेंगे एज अ टोटल रोटेशन. ठीक है, सो किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, रा ने पूछा एक सवाल. किसने? रा, वो ये पूछ रही है कि आप सर, इज देयर एनी सर्टेन फैक्टर दैट मेक्स अ रोटेशन ड्रास्टिक दैट इट बिकम्स लॉन्ग एंगल और शॉर्ट एंगल फेज, और इज इट जस्ट डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ रिजॉर्प्शन? मैं इसका जवाब देती हूँ. इकरा, देखें, आपको शुरू में डॉक्टर अली ने भी बताया था, मैंने भी बताया था कि हम सब में इंडिविजुअल वेरिएशंस होती हैं. ठीक है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, इसी तरीके से इंडिविजुअल हर सेम नहीं होता. ग्रोथ ऐसे होती है, लेकिन एक्सप्रेस कैसे होती है, किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी. फिर जैसे डॉक्टर अली ने शुरू में एक्सप्लेन किया था, जेनेटिकली डिटर्मिंड है, उसके अलावा इन्वायरमेंटल कॉजेज हैं. अब इन्वायरमेंटल कॉजेज में एक डॉक्टर अली ने शुरू में हमें एग्जाम्पल दिया था फंक्शनल अप्लायंस का, कि हमने ट्विन ब्लॉक अप्लायंस दिया, मैंडिबल शॉर्ट था, हमने उसको पहना दिया, उसका जॉ फॉरवर्ड आया तो वो नॉर्मल उसकी ग्रोथ हो गई. इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं. अगर कोई हमारे पास बच्चा आता है एडेनॉइड्स का, या जिसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो वो उसकी जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम होगा उसका, वो डिस्टर्ब्ड होगा. जब वो डिस्टर्ब्ड होगा तो उसमें क्या होगा कि वो सांस नहीं सही से ले पा रहा होगा, तो वो माउथ ब्रीदिंग करेगा. तो हमारी पूरी हर स्ट्रक्चर का इक्विलिब्रियम, हमारी टंग, हमारे लिप्स, हमारी सब चीज़ें, इवन हमारी टीथ की जो इरप्शन होती है वो कंट्रोल्ड होती है, दे आर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. व्हेन दैट इज डिस्टर्ब, तो क्या होगा कि आपका मुंह खुला हुआ है, माउथ ब्रीदिंग आप कर रहे हैं, आपके पोस्टीरियर टीथ इरप्ट हो जाएंगे, आपका मैंडिबल जो है वो बैकवर्ड रोटेट कर जाएगा. ये आपका एक एनवायरनमेंट नॉर्मल
एक नॉर्मल इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो आपकी ग्रोथ अफेक्टेड हो सकती है. अब इसी तरह से अगर कोई ट्रॉमा है, कोई डिजीज है कॉन्डाइल में, तो दैट कैन अफेक्ट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रोथ इज अफेक्टेड आइदर वी हैव इंडिविजुअल वेरिएशंस, इट कुड बी अफेक्टेड बाय जेनेटिक्स एंड इट कैन बी अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स. आगे चलते हैं. हमने ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, वी आर जस्ट फॉलोइंग द प्रॉफिट टर्मिनोलॉजी, क्योंकि असल स्टडी थी बायोर की, उसने मैट्रिक्स ये काफी अलग टर्म, हमने जो बात की इंटरनल एक्सटर्नल टोटल रोटेशन पे बात की. सो आगे हम बात करते हैं कि एक एवरेज आदमी में जिसमें के नॉर्मल एंगल होता है, इसमें बात करें तो 10 से 15 डिग्री की जो है वो इंटरनल रोटेशन होती है. ठीक है, लेट्स से अगर हमने बात की कि 4 साल की एज से लेकर एडल्टहुड तक इफ देयर आर 15 डिग्रीज ऑफ द इंटरनल रोटेशन, तो उस 15 डिग्रीज की इंटरनल रोटेशन में अराउंड 25% ऑफ द रोटेशन इज अराउंड द कॉन्डाइल. इस कॉन्डाइल के अराउंड द रोटेशन को हमने नाम दिया था मैट्रिक्स रोटेशन. एंड द रोटेशन विच इज अकरिंग विद इन द बॉडी ऑफ द मैंडिबल विच इज अराउंड 75%. प्लीज मेमोराइज दीज फिगर्स कि इन अ नॉर्मल एंगल पेशेंट जो कि इन द एवरेज अमाउंट ऑफ द रोटेशन इज अराउंड 15 डिग्रीज ऑफ द इंटरनल रोटेशन, आउट ऑफ विच 25% ऑफ द रोटेशन इज अकरिंग एट द कॉन्डाइल विच वी कॉल इट एज द मैट्रिक्स रोटेशन. एंड इंट्रामैट्रिक्स रोटेशन इज द intramatrix rotation is the which is occurring in the core or within the body of the mandible, that is 75%. Dr. Samra, aap sawal read karke na mujhe bata dijiyega, main sawal read nahi kar sakta is waqt. तो इसमें क्या हुआ कि हुआ ये कि जो 15 डिग्री की इंटरनल रोटेशन आई, जो टोटल रोटेशन आई अपेरेंट जो आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए, किस तरह सेंटेंसेस ये प्रॉफिट के सेंटेंसेस हैं, इसको आप गौर से पढ़ें, विच इज अराउंड 2 to 4 डिग्री. 2 to 4 डिग्री इज द रिजल्टेंट रोटेशन. हुआ क्या कि जो 15 डिग्री की इंटरनल रोटेशन हुई, ठीक है, वो मास्क हो गई बाय द एक्सटर्नल रोटेशन. Got it? के 15 degrees की जो इंटरनल रोटेशन आई, वो इंटरनल रोटेशन 15 डिग्री थी, एक्सटर्नल रोटेशन जो कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी, जो उसके रिजल्ट को कम कर रही थी. अगर वो 10 से 11 डिग्री या 12 डिग्री थी, तो उसने जो आउटवर्ड या जो रिजल्टेंट दिया वो था 2 to 4 डिग्री. हुआ क्या कि इट्स मीन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लोअर बॉडी ऑफ द मैंडिबल मस्ट बी इन एरिया ऑफ द रिजॉर्प्शन व्हाइल द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर बॉडी रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है, तो ये इसमें हुआ. So now moving on to the maxilla. Mandible mein humne quickly 4-5 baatein ki. For an average individual, there is 10 to 15 degrees of the internal rotation. Agar hum let's say baat karte 15 degrees ki internal rotation mein, jo ke, which we are measuring from the age 4 to adulthood, out of which 25% of the rotation is occurring at the condyle, which is the matrix rotation, and 75% of the rotation is occurring within the body of the mandible, which is the intramatrix rotation. So out of 15 degrees of the internal rotation, only we get 2 to 4 degree of the rotation which we can observe as a total rotation. So hua kya, it mean ke 10 se 11 degree ki aapke paas external rotation thi jisne ke uske effect ko mask kiya. Agar internal rotation is most of the time is negative, पॉजिटिव रोटेशन भी हो सकती है इन केस ऑफ पैथोलॉजी, यानी कि मैंडिबल डाउनवर्ड या बैकवर्ड जा सकता है, जिसको हम पॉजिटिव रोटेशन कहेंगे. बट दिस हैपेंड इन द केस ऑफ पैथोलॉजी, को कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है, कोई ट्रॉमा है. एवरेज नॉर्मली क्या होती है, वो नेगेटिव डिग्री की नेगेटिव रोटेशन हो रही होती है, जिसको का मतलब है, नेगेटिव का मतलब है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. ठीक है, so moving to the maxilla. Maxilla में जो है, this is less difficult to divide, this is less easy to divide the maxilla into core and other processes. अगर हमने बात करें कि, क्योंकि technically speaking the जो alveolar process है, these are certainly a functional process in a classical way, but there are no muscle attached analogous to the mandible. ठीक है, तो दूसरे उन्होंने बात की कि core of the maxilla जो है वो which is the palatal plane. तो इसकी rotation को हम observe कैसे कर रहे हैं, cranial base और palatal plane में changes की वजह से. जिस तरह हमने कहा कि जो नॉर्मल फीचर ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो नेगेटिव रोटेशन है, तो हो क्या रहा है, तो इसी बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो मैक्सिला इज मूविंग हैविंग नेगेटिव रोटेशन. ये अगर ये प्लेन आ रहा है तो नेगेटिव रोटेट करने की वजह से ये अपवर्ड एंड फॉरवर्ड जा रहा होगा. इस तरह मैंडिबल में नेगेटिव रोटेशन का मतलब क्या था, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. तो इफ दिस मूविंग मैक्सिला इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो इसका पैरेटल प्लेन वुड बिकम टिप डाउन. टिप डाउन मतलब कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा और पोस्टीरियर पार्ट विल बी गो डाउन.
what is happening ke there is this resorption occurring on the nasal side, as you are aware of the remodeling pattern. If the resorption is occurring on the nasal side, because nasal side पर resorption तो वैसे ही requirement है, क्योंकि आपको nasal cavity का size increase करना है for the increased demand of the breathing and for the airway. So the parietal plane negative rotation की वजह से upward and forward आगे move कर रहा था, but जो internal rotation की वजह से ऐसे हो गया, लेकिन external rotation यानी कि resorption की वजह से nasal side से resorb करके उसका effect वापस आ गया. टेक होम मैसेज क्या है कि जितनी इंटरनल रोटेशन हुई थी उतनी ही एक्सटर्नल रोटेशन यानी सरफेस रिमॉडलिंग ऐसे हुई कि वो वापस उस में शेप में आ गया. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिला. मैक्सिला में सिंपल ये बात है कि जितनी इंटरनल रोटेशन हुई थी उतना ही एक्सटर्नल रोटेशन हुई. मैंडिबल में मैक्सिला में क्या हुआ कि इंटीरियर प्लेन जो है वो अपवर्ड गया, नेगेटिव रोटेट किया, लेकिन उसके अपर बॉर्डर पे नेजल साइड से रिजॉर्प्शन हुई तो वो वापस उस शेप में आ गया. तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस इन द लो एंगल पेशेंट एंड इन द हाई एंगल पेशेंट. सो इफ आई आस्क डॉक्टर समरा टू प्लीज एक्सप्लेन कि व्हाट हैपन इन द लो एंगल पेशेंट, शॉर्ट फेस टाइप में क्या होता है. फेस के अंदर हमारी जो इंटरनल रोटेशन है वो ज्यादा हुई भी होती है, इसको हम कहते हैं इंट्रामेट्रिक. वो ज्यादा होती है तो हमारा जो मैंडिबल है फॉरवर्ड और अपवर्ड आ जाता है, उसकी वजह से हमारा जो पोस्टीरियर फेशियल हाइट है वो इंक्रीज होती है, इंटीरियर फेशियल हाइट हमारी डिक्रीज होती है और हमारा डीप बाइट डेवलप हो जाती है. तो बेसिकली जो शॉर्ट फेस इंडिविजुअल्स हैं उसके अंदर हमारी जो ज्यादा है वो इंट्रामेट्रिक रोटेशन उनमें क्या होता है कि आपकी जो इंटरनल रोटेशन है वो ज्यादा है. अभी जो हमने पहले पढ़ी थी कि 15 डिग्री और ये सारा चेंजेस है वो एट फर्स्ट फॉर द एवरेज पर्सन, बट वी हैव डिफरेंट जी एवरेज काइंड ऑफ पेशेंट. बट यहाँ पर क्या है कि वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ द फेसेस, शॉर्ट फेसेस. तो शॉर्ट फेसेस में क्या हो रहा है कि उसका शॉर्ट फेस बना कैसे, ऐसे बना कि उसका मैंडिबल प्लेन जो है वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आ गया, तो उसकी लोअर फेशियल हाइट, उसकी फेस हाइट जो है वो कम हो गई. ठीक है, तो जब वो आगे की तरफ आया तो वो डीप बाइट में चला गया. देखो ना, दांत उसके साथ अटैच है. इफ द मैंडिबल इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आने की वजह से उसकी टीथ जो है वो ज्यादा डीप बाइट में चले गए थे. और होगा क्या कि वो स्क्वेरिश फेस में चला जाएगा. क्यों स्क्वेरिश फेस में चला जाएगा कि यहाँ पर उसका सेंट्रल रेजिस्टेंस था जिसको हमने इंट्रामैट्रिक्स रोटेशन का नाम दिया. तो इफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबल इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड पोस्टीरियर पार्ट वुड बी मूविंग स्लाइटली डाउनवर्ड, हो क्या रहा है शॉर्ट फेस टाइमिंग में. इन सिंपल वर्ड एक जुमला बोलूंगा कि सर्फेस रिमॉडलिंग बहुत कम हो रही है. पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एंगल के ऊपर, एंगल ऑफ द मैंडिबल के ऊपर जो रिजॉर्प्शन है वो बहुत कम हो रही है, जो इंटरनल रोटेशन के इफेक्ट को मास्क या कंपनसेट नहीं कर रहे. जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंटरनल रोटेशन थी वो टोटली एक्सप्रेस्ड हो गई विदाउट द रिजॉर्प्शन ऑफ द मैंडिबल ऑन द लोअर बॉर्डर, which is the external, without external rotation, total internal rotation express ho gayi, jiski wajah se short face bana, theek hai? Aur bilkul iska opposite, ji, Dr. Samra, bole. Here you are deep bite develop ho gayi, itna zyada excessive rotation hui, it resulted in a deep bite. एग्जैक्टली उसके अपोजिंग सिचुएशन देखते हैं कि लॉन्ग फेस में क्या हुआ कि लॉन्ग फेस में जो वो है कि इंटीरियर क्रैनियल बेस और लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल में यहाँ क्या हुआ कि इंटरनल रोटेशन बहुत कम है, एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि सरफेस रिमॉडलिंग, सरफेस रिजॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हुई और जो है वो पेशेंट जो है वो डाउनवर्ड बैकवर्ड रोटेशन जो है वो ज्यादा हुई, इंटरनल रोटेशन कम हुई, दैट्स वाई जो है वो हाइपर डाइवर्जन एक फेज डेवलप हुआ. ठीक है, जी ठीक है. अब अगर लेट्स से मैं एक आईक्यू क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों से, एक पेशेंट जो बहुत हाई एंगल फेस है उसमें डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द मैंडिबल हो रही है, इसका आंसर आप ना मैसेज पे कीजिएगा. प्लीज बी अलर्ट, मैं सवाल आपसे पूछने लगा कि मैंडिबल में डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन हो रही है, व्हाट काइंड ऑफ द रोटेशन वुड be required in the maxilla in order to produce the high angle patient or hyper divergent patient. Message pe answer kare.
जी बिल्कुल ठीक है एकरा, एमन आपने बिल्कुल सही कहा कि नेगेटिव रोटेशन हो रही है. ठीक है, नेगेटिव रोटेशन का मतलब क्या है कि वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड गया और पैरेलल प्लेन इज मूविंग डाउनवर्ड. तो बहुत एक हाई एंगल पेशेंट डेवलप करने के लिए मैंडिबल में जो है वो पॉजिटिव रोटेशन हो रही होगी और मैक्सिला में नेगेटिव रोटेशन हो रही होगी जिसमें कि पोस्टीरियर पार्ट इज मूविंग डाउनवर्ड. ओके, तो जी बिल्कुल ठीक है, आप सही आंसर कर रहे हैं आप लोग. सो नाउ वी टॉक अबाउट कि व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन, व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन ऑफ द ग्रोथ रोटेशन एंड प्रोपरप्शन. डॉक्टर समरा आप उसको बोलें. अच्छा, जब हम मुझे खुशी हुई इन लोगों ने जब आंसर्स सब करेक्ट किए हैं तो इसका मतलब है इनको बात समझ आ रही है। अब ये बड़ा टफ हमारे टॉपिक है, दिस इज वेरी ड्राई टॉपिक. मैं ये क्लास में से पहले मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा था कि इट्स अ वेरी ड्राई टॉपिक टू अंडरस्टैंड. बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो बल्कि मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, आपको आप इतना अच्छा खुद ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जब हमारी जॉ रोटेट करता है, अब हमने डिस्कस कर लिया कि शॉर्ट फेस है, लॉन्ग फेस इंडिविजुअल्स हमारे डेवलप हो रहे हैं, तो जॉ जब हमारा मूव करेगा तो जारी बात है टीथ भी मूव करेंगे। ठीक है, अब जब हम अपनी ये बात कर रहे होते हैं डीप बाइट वाली, जो बार 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 मैं रिपीट कर रही थी, तो उसमें क्या होगा कि हमारे जो है टीथ वो डीप बाइट में जाएंगे। लो एंगल की बात कर रही हूँ या शॉर्ट फेस इंडिविजुअल्स की बात कर रही हूँ, अपराइट होंगे आपके इंसाइजर्स, और उसकी वजह से आपकी जो है आर्च लेंथ जो है वो डिक्रीज होगी, यानी कि आपकी क्राउडिंग डेवलप होगी, तो ये आपके शॉर्ट फेस इंडिविजुअल्स में होगा। लॉन्ग फेस इंडिविजुअल्स में आपकी जो है जो जब आपका जॉ रोटेट करेगा डाउनवर्ड्स, तो आपके इंसाइजर्स जो है वो प्रोक्लाइन होंगे और ओपन बाइट आपके अंदर डेवलप होगी। इसको थोड़ा सा आगे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अब आपके पास एक बात यह है कि द टीथ आर अटैच विद इन द बोन, बोन के अंदर अटैच है ना टीथ. ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में जैसे जैसे जो है वो बोन रोटेट करेगी उसी तरीके के साथ जो है वो टीथ ने भी मूव करना है. गॉट इट? तो इफ आई से द मैक्सिला इज मूविंग, मैक्सिला इज हैविंग अ नेगेटिव रोटेशन, तो मैक्सिला के नेगेटिव रोटेशन का मतलब क्या होगा कि द इंटीरियर पार्ट इज मूविंग अपवर्ड. इफ द इंटीरियर पार्ट इज मूविंग अपवर्ड तो दिस विल प्रोक्लाइन द अपर इंसाइजस. कैसे? अगर आप मेरे हाथ को जरा गौर से देखें, ठीक है, तो दिस इज द पैरेटल प्लेन एंड दिस इज द अपर इंसाइजस. तो जैसे जैसे आपका नेगेटिव रोटेशन हुई और इंटीरियर पार्ट ऑफ द पैरेटल प्लेन इज मूविंग अपवर्ड, तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द पैरेटल प्लेन, इफ यू आर लुकिंग एट माय हैंड, तो इफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द पैरेटल प्लेन इज मूविंग अपवर्ड तो दिस विल चेंज द पोजिशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ द अपर इंसाइजस. सो अपर इंसाइजस जो हैं उनकी जो पोजिशन या उनकी प्रोमिनेंस है वो बढ़ती चली जा रही है. सो इफ आई आस्क यू प्लीज रिप्लाई इन द मैसेज कि इफ वी आर हैविंग द पॉजिटिव रोटेशन ऑफ द मैक्सिला तो क्या होगा प्रोमिनेंस ऑफ द इंसाइजस को. इफ वी आर हैविंग द, जी बिल्कुल डीप बाइट होगी, शाबाश जी, बिल्कुल रेट्रोक्लिनेशन होगी हुजैफा. इकरा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जो है वो पैरेटल पेन इस तरीके से है अगर पॉजिटिव रोटेशन यानी कि डाउनवर्ड या बैकवर्ड जा रहा है तो अपर इंसाइजस जो बिल्कुल उसी जगह पे थे वो मूव होके रिट्रोक्लाइन हो गए और पीछे की तरफ चले जाए जिसके साथ साथ जो है वो डीप बाइट भी होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, सो हो क्या रहा है कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, द ग्रोथ रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेंजिंग, फॉर डिटरमिनिंग द पोजिशन ऑफ द टीथ. कैसे? क्योंकि अगर जो है वो नेगेटिव रोटेशन हो रही है द मैक्सिला इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड सो दिस इज प्रोक्लाइनिंग द अपर इंसाइजस जो इसके साथ अटैच है. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आपका पैरेटल प्लेन है और ये आपके इंसाइजस लगे हुए हैं. अगर इसके अंदर रोटेशन ऐसे हो रही है कि द पैरेटल प्लेन इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड तो ये अपवर्ड एंड फॉरवर्ड इधर चला गया तो इंसाइजस इस जगह पे आ गए, तो दिस हैज चेंज द पोजिशन ऑफ द इंसाइजस एंड इट हैज मेक इट मोर प्रोमिनेंट. वाइस वर्सा सिचुएशन में अगर ये पैरेटल प्लेन और ये अपर इंसाइजस हैं, इफ दे आर नेगेटिव रोटेशन के पैरेटल प्लेन से जो है वो पहले इस तरीके से था वो नेगेटिवली रोटेट करके इस तरह से आ गया तो इंसाइजस जो लगे हुए थे वो पहले इस जगह पे थे और अब फिर इस जगह पे आ गए, सो द इंसाइजस हैज रिट्रोक्लाइंड एंड डीप बाइट या ज्यादा पीछे की तरफ चले गए बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द जॉ. सो ये हुआ. साथ में अगर हम इसको मैंडिबल को इसमें देखें तो
इसमें ना दो टाइप की मूवमेंट होती है, एक है ट्रांसलोकेशन जो अभी मैंने बताई कि जिसमें कि क्रेनियल बेस के साथ अगर हम उसे असेस करें तो ट्रांसलोकेशन एज द टूथ मूव अलोंग विद द जॉ, जिसकी मैंने अभी मिसाल दी कि ये रोटेशन में इफेक्ट करते हैं, द अदर इज द ट्रू एरप्शन। तो इसमें ऑलमोस्ट हाफ ट्रांसलोकेशन कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल मैक्सिलरी टूथ मूवमेंट ड्यूरिंग द एडोलेसेंट ग्रोथ। Got it? कि almost half of the जो position change हो रही है वो हो रही है because of the translocation. Translocation is the movement of the teeth along with the jaw. ठीक है, and this is different as compared to the true eruption. True eruption is the movement of the tooth with reference to the jaw. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सिलर मैंडिबल की डाउनवर्ड या पॉजिटिव या नेगेटिव रोटेशन की वजह से टूथ की पोजीशन भी चेंज होती चली जा रही है। सो इफ वी टॉक अबाउट द मैंडिबल, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब इसमें ना जरा प्लीज मेरे हाथ को आप गौर से देखिएगा, मैं जो है ना आई एम जस्ट स्टॉप शेयरिंग एंड ठीक है, अगर आप मेरे हाथ को गौर से देखें, कैन यू सी माई हैंड? ठीक है, इफ द मैक्सिला इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड तो क्या हुआ कि टीथ की प्रोमिनेंस जो है वो चेंज हो गई, दिस इज द ट्रांसलोकेशन, और डाउनवर्ड या बैकवर्ड गया तो उसकी पोजिशन चेंज हो गई। सो नाउ कम टू द मैंडिबल, मैंडिबल में लोअर इंसाइजर अटैच लाइक दिस, ठीक है, इफ द मैंडिबल इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड तो दिस विल ब्रिंग द लोअर इंसाइजर्स upward and forward and this will retrocline the lower incisors. For example, the lower incisor attached with the mandible like in this way. If you can see my hand, if the mandible is moving upward and forward, so this is retroclining the incisors. So this is retroclining the incisors. Okay, ठीक है, क्योंकि इसकी position को change करता चले जा रहे हैं, और जब रिट्रोक्लाइन करेंगे तो उसमें क्राउडिंग आ जाएगी और उसमें कहां तक है? और जो मोलर हैं वो आगे की तरफ आ जाएंगे क्योंकि इसकी जॉ की पोजीशन ऐसे चेंज कर रही है कि विद द नेगेटिव रोटेशन मीन के द मैंडिबल इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड तो द लोअर इंसाइजर्स आर गेटिंग रिट्रोक्लाइन एंड दे आर बिकमिंग अपराइट। पहले अगर इस तरीके से था द मैंडिबल हैज मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड तो द लोअर इंसाइजर्स हैव बिकम नाउ अपराइट, ओके, एंड दे आर गेटिंग रिट्रोक्लाइन विद द रोटेशन ऑफ द मैंडिबल, और पोस्टीरियर भी मूव करेगा आगे की तरफ, ठीक है वो बाकी अगर हम इसके बिल्कुल वाइस वर्सा जाएं तो पॉजिटिव रोटेशन में क्या होगा, द लोअर इंसाइजर्स हैव बीन थ्रस्टिंग इनटू द सॉफ्ट टिश्यू, कि द मैंडिबल इज लाइक दिस, इफ द मैंडिबल हैज मूव्ड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड तो पहले जो अपराइट हुए थे लोअर इंसाइजर्स नाउ दे आर गोइंग प्रोक्लाइंड, ठीक है, जब वो प्रोक्लाइंड होंगे तो वो सॉफ्ट टिश्यू प्रेशर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस द लिप इन फ्रंट ऑफ द लोअर इंसाइजर्स विद द पॉजिटिव रोटेशन ऑफ द मैंडिबल द लोअर इंसाइजर्स मूविंग डाउनवर्ड बैकवर्ड एंड थ्रस्टिंग एंड पुशिंग द लोअर इंसाइजर्स इनटू द लोअर लिप। सो लेट्स गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन, ठीक है, सो विद द डाउनवर्ड बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द मैंडिबल द लोअर इंसाइजर आर थ्रस्टिंग एंड मोर इन कॉन्टेक्ट विद द लोअर लिप, विद द अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड नेगेटिव रोटेशन ऑफ द मैंडिबल द लोअर इंसाइजर गेटिंग अपराइट। नेगेटिव रोटेशन में जो आप देखें मोलर की पोजीशन जो है वो आगे की तरफ आ गई, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डॉक्टर समरा आप क्वेश्चंस पढ़ के मुझे जरा बताती हैं, आप रीड करती जाएं मैसेजेस को। सो हाउ डज द, अच्छा इसमें क्या होगा अगर मैं सिंपल सवाल आपसे पूछूं कि इसमें कौन सी टाइप की रोटेशन हुई हुई है इस पेशेंट में, इसमें बताएं, शाबाश, मैंडिबल की पॉजिटिव हुई हुई है, शाबाश, इसमें मैंडिबल की पॉजिटिव है और मैक्सिला की कौन सी रोटेशन है? ओके शाबाश, नेगेटिव टू द मैक्सिला, कि मैक्सिलरी प्लेन इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड जो कि अपर इंसाइजर को प्रोक्लाइन करता चला जा रहा है, और आप खुद ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस तरीके के साथ जो है वो ओपन बाइट या डीप बाइट कैसे बनती है। अगर आप इसकी ओपन बाइट को समझें कि मैंडिबल इज मूविंग डाउनवर्ड फॉरवर्ड, इट इज ब्रिंगिंग द लोअर इंसाइजर्स बैकवर्ड एंड थ्रस्टिंग इनटू द लोअर लिप। अच्छा इसमें ये याद रखिए कि लोअर इंसाइजर्स में चाहे पॉजिटिव रोटेशन हो चाहे नेगेटिव रोटेशन, दोनों सूरतों में क्राउडिंग होगी। कैसे दोनों सूरतों में क्राउडिंग होगी कि पहली सिचुएशन में जो है वो मैंडिबल के जो इंसाइजर्स हैं विद नेगेटिव रोटेशन दे आर गेटिंग अपराइट, तो ये पीछे की तरफ जा रहे हैं तो क्राउडिंग के फॉर्म में जा रहे हैं। जब ये पॉजिटिव रोटेशन होगी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड जा रहा है तो दे आर थ्रस्टिंग मोर इनटू द लोअर लिप, तो इन बोथ सिचुएशन दे आर गेटिंग द क्राउडिंग।
तो डॉक्टर समरा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे फिर इसको खत्म करते हैं, आप रिपीट करेंगे इस बात को? को लॉन्ग केस को हाँ जी, ये इंटरेक्ट लॉन्ग फेस ये इंटरेक्शन ऑफ द रोटेशन एंड प्रोटरप्शन, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। डिफिकल्ट टॉपिक, दैट्स व्हाई आई हैव रिक्वेस्टेड यू टू जॉइन। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, एक दफा पहले भी बता चुकी हूँ। तो बस यही है कि आपने ये समझना है कि शॉर्ट फेस इंडिविजुअल्स में विद द मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल आपके जो दांत हैं तो आपके उसके साथ बॉडी के साथ मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो मैंडिबल आपका फॉरवर्ड आया है और अपवर्ड आया है तो उसकी वजह से आपके जो टीथ हैं वो ट्रैप होंगे और थोड़े से या तो अपराइट होंगे या लिंगुली प्लेस्ड होंगे। उसकी वजह से आर्च लेंथ के अंदर आपकी डेफिशिएंसी होगी। आर्च लेंथ डेफिशिएंसी का मतलब है कि आपकी जो एक नॉर्मल आर्च फॉर्म होती है अगर आपका इंसाइजर रिट्रोक्लाइन हो जाएगा तो वहां पे स्पेस लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगी स्पेस, स्पेस कम होगी तो वहाँ क्राउडिंग डेवलप हो जाएगी। अच्छा, जो हमारा लॉन्ग फेस है उसके अंदर हमारे इंसाइजर्स जो हैं क्योंकि मैंडिबल हमारा डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहा है तो वो प्रोक्लाइन होंगे। रीजन ये होता है कि जब हम ये सारा कुछ पढ़ रहे होते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं जॉ रोटेशंस, हम क्यों इतना ग्रोथ पे एम्फसाइज कर रहे हैं और क्यों हम दांतों के ऊपर बात करें, ये हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। हम जब भी कोई डिजीज पढ़ते हैं या हम कोई भी बात पढ़ते हैं तो पहले हमें उसकी इटियोलॉजी पता होनी चाहिए, ये हो क्यों रहा है, फिर हम उसका इलाज करते हैं। तो जब हमें इंटरैक्ट हम बीइंग ऑर्थोडोंटिस्ट हम सबसे पहले पेशेंट का फेस देखते हैं, उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि इसकी फेस फॉर्म कैसी है और हमने आगे उसका फ्यूचर में ट्रीटमेंट कैसे करना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने ट्रीटमेंट करने से पहले हमें वजह तो पता हो कि हुआ क्यों है ऐसे। तो जब हम ग्रोथ स्टडीज कर रहे होते हैं और हम इतना एम्फसाइज कर रहे हैं और पिछले 1 घंटे से डॉक्टर अली आपको ये लेक्चर दे रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि आप उसकी पूरा प्रोसेस समझिए, आप उसकी इटियोलॉजी समझिए, आप डिफरेंट फेस टाइप्स समझिए और जब आप ट्रीटमेंट प्लानिंग के सेक्शन पे जाएंगे या कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो ये सारी चीजें आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब जैसे कि एक सिंपल सी बात है, मैंने कहा आर्च लेंथ की डेफिशिएंसी हो गई इस तरीके से रिट्रोक्लाइन से, तो अब आपको कोई प्लानिंग ऐसी करनी होगी ना कि आप उस डेफिशिएंसी को कंट्रोल करें। तो बेसिकली इन सारी चीजों का मकसद मैं रैप अप कर रही हूँ कि हम आगे समझ जाएं बीमारी हुई क्यों और अब हमने उसका इलाज कैसे करना है। आई थिंक काफी कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है और बच्चों को समझ भी काफी अच्छा आ गया। बहुत अच्छी क्लास है अली तुम्हारी। अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट से कहूंगा कि आपके मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से कहूंगा कि अपने गेस्ट स्पीकर का थैंक यू बोले और उनको कहें कि दोबारा भी आते रहें, हम हमें स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ सवाल पूछने तो पूछ लें। ऐसे बुक है ना मैं बंदा थैंक यू। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। वेलकम।